जल भरने के लिए चली हैं। कैसे? सकुचा के चली, अकुला के चली, चली पनिया भरने शिव नारे रे, सागर से उतारी गागरिया। सकुचा के चली, अकुला के चली, चली पनिया भरन शिव नार रे, सागर से उतारी गागरिया। पार्वती चली हैं समुद्र के पास, पहुंची पानी भरने लगी हैं, तो समुद्र ने देखा है पार्वती के चेहरा की ओर, तो पूछने लगी हैं, एक बात बताओ। रूप देख के समुंदर बोला कौन पिता महतारी, अरे हमको कुछ बोले क्या, कौन गाँव की रहने वाली, कौन पुरुष घर नारी, बताए दे कौन पुरुष घर नारी। होले 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 गिरजा बोले, छायो है दुखी अपार, सकुचा के चली, अकुला के चली, चली पनिया भरन शिव नार रे, सागर से उतारी गागरिया। तो समुद्र ने जवाब दिया, क्या नाम है तुम्हारा, पूरा परिचय दिया है पार्वती ने। क्या परिचय देने लगी है? राजा हिमांचल पिता हमारे, मैना है महतारी, भोलेनाथ पति हमारे, मैं उनकी घरवाली, अरे हाँ मैं उनकी घरवाली। सकुचा के चली, अकुला के चली, चली पनिया भरन शिव नार रे, गा से उतारी गागरिया। Thank you.
तो समुद्र ने पार्वती से कहा है, पार्वती चल ले जाऊं पति बहलाऊं, सुन ली जो बात हमारे रे सागर से उतारूं गागरिया। अच्छा पार्वती ने कहा, हिमांचल की मैं पुत्री हूँ, मैना हमारी माँ है और भोलेनाथ की मैं पत्नी हूँ। तो समुद्र कहने लगा है, सागर बोला छोड़ भोला को घर घर अलख जगावे, चौदे रतन भरे हैं मेरे बेटी मोजे उड़ावो, गोरा बेटी मोजे उड़ावो, पीता भंगिया वो है रंगिया, क्यों सहे रही कष्टिया, पार रे सागर से उतारी गागरिया। समुद्र के जब ये वचन सुने हैं पार्वती ने, तो पार्वती को क्रोध आ गया और जा करके अपने भोलेनाथ को सारी बात बताई है। भोलेनाथ ने भी जब सारी बात को सुना है, तो बड़ी तेजी से क्रोध आया है और कहने लगे हैं, समुद्र तुझे इतना घमंड है तो मैं समुद्र मंथन जरूर करवाऊंगा। क्या किया है भोले बाबा ने, क्रोधित होकर चली वो गौरा भोला के ढिग गया आई, सागर ने जो बचन कहे शिव को रही सुनाई रे भक्तो, शिव को रही सुनाई, शिव की ओ यतन सागर को मथन लिए, चौदे रतन निकाले रे सागर से उतारी गागरिया। सकुचा के चली अकोला के चली, चली पनिया भरन शिव नार रे सागर से उतार।